सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, अभी इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ होंडा एसपी 125 का नाइट में विजिबिलिटी टेस्ट। एंड एक बार इसकी डीआरएल्स ऑन करते हैं। वैसे डीआरएल्स के साथ इसकी जो लोबी में वो हमेशा ऑन रहती है। एंड यस, कुछ ऐसा आप लोग को एलईडी हेडलाइट मिल जाते हैं। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था टूरिंग में ये बाइक कैसी रहने वाली, कैसी नहीं रहने वाली है। एंड टूरिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है नाइट में विजिबिलिटी कितनी है, ताकि आप फॉग लैंप्स वगैरह आपको लगाना है कि नहीं उसका आइडिया हो सके। सो अभी हम लोग आए थे बाइकर्स टेक 2.0 एंड दिस प्लेस इज़ एट ओल्ड दिल्ली रोड। एंड यहाँ पे जो हाईवे है, ओल्ड दिल्ली रोड का जो हाईवे है, यहाँ पे पूरा ही अंधेरा है। सो यहाँ पे अच्छा खासा इसका नाइट में विजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो गाइस, मेरा ओडोमीटर लाइक 753 किलोमीटर हो चुका है अपना बाइक का। लास्ट वीडियो में ना मैंने आपसे एक चीज़ थोड़ा सा गलत शेयर किया था, जो इसका सर्विस इंटरवल है उसको लेके थोड़ा सा भी चढ़ जाते हैं हाईवे पे, देन बाकी बातें आपसे आगे कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, जो होंडा एसपी 125 का फर्स्ट सर्विस होता है ना, वो मैंने कहा था 500 किलोमीटर्स पे होता है, तो 500 किलोमीटर नहीं, एक्चुअली 750 टू 1000 किलोमीटर में होता है। एंड जस्ट 750 किलोमीटर्स इसमें कवर हुआ जब हम लोग यहाँ से मतलब बाइकर्स टेक एंटर कर रहे थे। एंड देख सकते हो अभी जो है इसमें सर्विस रिमाइंडर आ चुका है, यानी जो रेंज सिंबल होता है। सो यस, अभी बहुत जल्द इस बाइक का फर्स्ट सर्विस होने वाला है। एंड उसके बाद मैं आपसे और काफ़ी तगड़े तगड़े कंटेंट इससे रिलेटेड शेयर करूंगा। एंड ऑल्सो इसका जो मैंने टूरिंग रिव्यू किया था उसमें आपने काफ़ी प्यार दिखाया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी उसमें मैंने आपसे कहा था कि इसकी नाइट विजिबिलिटी ठीक ठाक है, लाइक आप मैनेज कर सकते हो। बट देखो, मैनेज तो सभी बाइक में कर सकते हैं, सभी बाइक में आपको हेडलाइट तो मिल ही रहा है, तो कितना मैनेजेबल है लाइक ऐसे रोड में जहाँ पे लाइट बिल्कुल ना के बराबर है, वहाँ पे कितनी मैनेजेबल है। एंड आपको एक्स्ट्रा फॉग लैंप्स लगाने की ज़रूरत है कि नहीं, अभी हम वो देखेंगे। अभी सामने कुछ बाइक या कार्स अपने सामने है, तो उनका भी लाइट रास्ते में पड़ रहा है। बट यहाँ पे देख सकते हो कि जो पूरा ही हाईवे है, यहाँ पे कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं है। एंड पूरा एकदम लाइक अंधेरा हाईवे है। यहाँ पे फिर भी थोड़े बहुत आसपास दुकान वगैरह है। एकदम सामने एक ऐसा जगह अभी आएगा, ऐसे ऐसे कुछ जगहें आएंगे जहाँ पे मतलब कुछ लाइट है ही नहीं। सो वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि बाइक की जो लाइट की थ्रो है वो कैसी है। फिलहाल अभी ये लगी हुई है लो बीम में, एंड लो बीम में देख सकते हो कुछ ऐसा रोशनी प्रोवाइड करके दे रहा है। एंड आई नो कि गोप्रो में ये चीज़ उतना ज़्यादा जस्टिफाई नहीं हो पाता है, एंड अल्टीमेटली मुझे थोड़ा सा कलर ग्रेड करना ही पड़ेगा, बिकॉज गोप्रो में जो आता है वो है कि अपना पूरा सामने अंधेरा दिखाएगा, एंड यहाँ पे बस स्पीडोमीटर में क्या चल रहा है वो सब दिखाएगा। बट टू बी ऑनेस्ट, नेकेड आइज में कोई प्रॉब्लम मुझे सच नहीं हो रहा, लाइक जो लाइट की थ्रो है लो बीम में भी दैट्स गुड इनफ। एंड अभी इसका थोड़ा सा हाई बीम ऑन करते हैं। सो हाई बीम में भी काफ़ी बढ़िया स्प्रेड हो रही है। एक्चुअली बाइक में विजिबिलिटी ठीक ठाक ही है, बट जैसा प्रोजेक्टर में मिलता है प्रोजेक्टर के लेवल का नहीं है। एंड यस, जैसा MT15 देन FZ25 लाइक प्रोजेक्टर हेडलाइट जिन बाइकों में होता है ना, उन बाइकों में आपको लगता है कि इसी लाइट से आपका लाइक एज अ फॉग लैम्प वही काम कर देता है। तो बाइक का जो थ्रो होता है मतलब काफ़ी शार्प होता है, एंड अगर फॉग वॉग रहेगा, सामने कुछ धुआं हुआ रहेगा, तो उसको एकदम चीरते हुए निकल जाता है। बट इसका जो लाइट है ये वैसा नहीं है। सो LED बेशक आपको मिल रहा है, बट जो थ्रो है वो उसकी प्रोजेक्टर से थोड़ी सी हल्की है। सो यस, काफ़ी बाइकें ऐसे होती है जिनमें LED हेडलाइट्स तो आपको मिल जाता है, बट उनमें रात में विजिबिलिटी कुछ उतना खास नहीं रहता। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, विजिबिलिटी आपको ठीक ठाक ही प्रोवाइड करके देता है ये बाइक, एंड यानी ये हेडलाइट्स। सो यस, विजिबिलिटी इज़ ओके। सामने रिफ्लेक्टर, देन जो माइलस्टोन का बोर्ड है वहाँ पे काफ़ी बढ़िया इसका थ्रो, लाइक रिफ्लेक्शन काफ़ी बढ़िया आ रहा है। सो यस, जो थ्रो है वो एनफ है। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डकोर टूरिंग नहीं करते हो, तो आपको फॉग लैंप्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन बाइकों में कोई उतना हार्डकोर टूरिंग करता भी नहीं है, बट काफ़ी लोग ऐसे रास्तों में अपना डेली कम्यूट करते हैं जहाँ पे मतलब लाइट बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो वहाँ पे ये बाइक का जो लाइट का थ्रो है दैट्स गुड एनफ। बाकी गोप्रो आई नो ये सब उतना ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर पाता होगा, बट मैं अपने नेकेड आइज में जो देख रहा हूँ वो मैं आपसे शेयर करता करता चल रहा हूँ। एंड यस, ये रास्ता पूरा ही ऐसा रहने वाला है। रास्ते में स्ट्रीट लैंप्स वगैरह बिल्कुल ना के बराबर है, सो एकदम अंधेरा हाईवे है। बाकी ये जगह अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं है, एंड अक्सर बिघाटी देन ये वाला साइड हम आते रहते हैं, लाइक बिघाटी में एक्सप्रेस धावा हो गया, यहाँ पे बाइकर्स टेक 2.0 हो गया। शाम को घूमने टहलने के लिए अच्छा जगह है, बट उतना ज़्यादा बेलगुरी एक्सप्रेसवे की तरह पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। बट एनीवेज गाइस, अभी सामने देख सकते हो पूरा ही अंधेरा हाईवे, एंड हम लोग लो बीम पे चल रहे हैं। एंड लो बीम पे भी आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगा। बाकी अगर हो सके तो मैं कहीं पे रुक के जहाँ पे एकदम अंधेरा हो वहाँ पे आपको थोड़ा सा आईफोन का फुटेज भी अटैच कर दूंगा। मैं सोचा तो थोड़ा सा आराम से चलाएंगे, बट यहाँ पे रास्ते में इतना छपड़ी वपड़ी भरा हुआ है ना,
तो थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करना पड़ता है, वरना ये नमूने कभी भी पीछे से ठोकने को रेडी रहते हैं। बाकी गाइस जो लोग नए व्यूअर्स हो, जो लोग डायरेक्ट ये वाला वीडियो देख रहे हो, उनको मैं बता दूं कि इस बाइक पे ना मैंने ऑलरेडी एक टूरिंग रिव्यू किया है, एक सिटी राइड रिव्यू भी किया है। सो ये बाइक सिटी में चलाने में कैसी है एंड इस बाइक को अगर आप टूरिंग में लेके जाना चाहते हो तो टूरिंग में ये बाइक कैसे रहने वाली है, कंटिन्यूस अगर हम नॉन स्टॉप इस बाइक को राइड करते हो तो ये बाइक कितना ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है आपके लिए, वो सारे डिटेल्स मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में कवर किया है। सो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आफ्टर दिस वीडियो वो वाले वीडियोस भी आप जरूर चेकआउट कर लेना। एंड ये एक छोटा सा कंटेंट मैंने सोचा घर वापसी के टाइम बना लेते हैं। एक्चुअली आज मैं गोप्रो वगैरह लेके निकला तो था, बट ये वाला कंटेंट नहीं, कुछ और कंटेंट शूट करने के लिए। सो वो वाले वीडियोस भी आई थिंक चैनल में अब तक आ गए होंगे। होंडा के ही दो फ्रेशली लॉन्च बाइकों का रिव्यू किया तुम्हारे भाई ने, सो वो वाला वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड एक तो CB300R एंड एक CB350 जो नई लॉन्च हुई है, सो उन दोनों का भी डिटेल राइड रिव्यू आपको चैनल पे मिल जाएगा। एंड यस, आज का दिन काफ़ी हेक्टिक रहा। दोपहर की बिल्कुल तपती गर्मी में दो कंटेंट शूट करने के बाद मैं एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा चिल मारने आया था, एंड क्योंकि एक बैटरी बचा हुआ था मेरे पास, सोचा था कि थोड़ा सा कंटेंट शूट करते चले। सो ऐसा अपन लोग का यानी ब्लॉगर लोग का लाइफ स्टाइल है, कभी भी शांति नहीं है, हमेशा जहाँ भी मिले कंटेंट हमको चाहिए होता है। बाकी सामने वाले गाड़ियों से जब लाइट आ रहा है तब थोड़ा सा विजिबिलिटी का मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, एंड अभी मैंने थोड़ा सा हाई बीम पे किया है, देख सकते हो, बट ये इशू सभी बाइकों में आप लोगों को मिलेगा। एंड सामने से अगर सामने वाला हाई बीम पे चलाएगा तो कुछ दिखेगा नहीं, चाहे आप अपने सामने फॉग लाइट्स भी जला लो। बाकी गाइस इसका माइलेज फिगर्स मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया है, एंड हाईवे में जो इसने हमें माइलेज निकाल के दी थी डेट वॉज अराउंड 55 के आसपास इसने माइलेज निकाल के दी थी, बट दैट वॉज बिकॉज हमने इसको थोड़ा सा खींचा था एंड थोड़ा सा रेड लाइन करके चलाना पड़ा था। एंड अभी कुछ दिनों से मैं इसको सिटी में चला रहा हूँ, सिटी में उतना रेड लाइन मैं कर नहीं रहा हूँ। सो एक बार आपको दिखा देता हूँ कितना आया है रियल टाइम माइलेज इसका, दिखा रहा है 71 एंड जो ट्रिप माइलेज है थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, अभी 57 दिखा रहा है यहाँ पे, ऐसे वही जो रिसेट किया था वही चल रहा है। सो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है लाइक 2 किलोमीटर पर लीटर, पर सिटी में ये मुझे ऑलमोस्ट 70 के आसपास माइलेज निकाल के देती है। एंड जैसा कि उस वीडियो में मैंने कहा था जब इसका फर्स्ट सर्विस हो जाएगा तब मैं इसका फुल टैंक टू फुल टैंक माइलेज वीडियो भी लाऊंगा आपके लिए, एंड ऑल्सो कंपेयर करेंगे यहाँ से यानी ये वाला जो रीडिंग आ रहा है वो कितना एक्यूरेट है। बाकी गाइस आज का डेट है 13 अप्रैल एंड कल 14 अप्रैल है, कल है बंगाली न्यू ईयर, तो आई थिंक ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट में आ रहा होगा बिकॉज पाइपलाइन में और तो वीडियोज है, बस स्टिल आप लोगों को बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बंगाली न्यू ईयर, बाकी अगर बंगाली नहीं हो तो भी हैप्पी न्यू ईयर एंड पोयला बैशाख कहते हैं हमारे लैंग्वेज में। बाकी यहाँ पे सामने थोड़ा सा धुआं धुआं है एंड यहाँ पे देख सकते हो लाइट का थ्रो कुछ ऐसा, काफ़ी बढ़िया विजिबिलिटी है एक्चुअली इसका। सो विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला है। एक्चुअली मैंने भी इसको नाइट में उतना ज़्यादा राइड नहीं किया, लाइक हाईवे पे उतना ज़्यादा राइड नहीं किया नाइट में, बट सिटी में कर चुका हूँ। सिटी में जितना चलाया मैंने मुझे लगा कि इसका थ्रो ठीक ठाक ही है, बट हाईवे में थोड़ा सा इसको टेस्ट हो रहा है अभी। बाकी गाइस जब मैं इसका हाई बीम चला रहा हूँ ना तब मुझे एक चीज़ नोटिस हो रहा है कि दूर का जो थ्रो है ना उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है। एंड ऑल्सो इसमें ना एक चीज़ अच्छा है, लाइक होंडा के आज मैं दो मोटरसाइकिल चला रहा था, एक CB300R एंड एक CB350 जैसा कि मैंने कहा, तो उन बाइकों में मैंने देखा कि यार जो इंडिकेटर स्विचेस है ना वो नीचे है, हॉर्न का स्विच ऊपर है, तो उसमें मैं जितनी बार भी हॉर्न दबाने का कोशिश कर रहा हूँ उतने बार मैं इंडिकेटर प्रेस कर रहा हूँ, एंड हॉर्न का भी मतलब एकदम उल्टा साइड में है। बाकी एक चीज़ है, इस बाइक में हेजर्ड देना चाहिए था, ये देख सकते हो अपनी बाइक थोड़ी सी स्लो जा रही है टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे पीछे से थार वगैरह कितना फास्ट आ रहे हैं। एंड जब आप रियलाइज़ करते हो ना कि आप थोड़ा सा स्लो जा रहे हो, लाइक आपका रिलेटिव स्पीड थोड़ा सा स्लो है कम्पेयर टू अदर कार्स एंड बाइक्स, देन हाईवे पे ये चीज़ आपको थोड़ा सा सेव करता है, यानी आप थोड़ा विजिबल ज़्यादा रहते हो। एंड क्या है ना, नॉर्मल लाइट अगर पीछे से देखता है कोई तो वो समझ में नहीं आता उसको कि यार वो कितना स्पीड में चल रहा है, ये खींच रहा है पीछे 100 में, वो है एकदम 40 या लाइक 30-40 में, पीछे से समझ में नहीं आता, ठोक देता है, रन ओवर करके चला जाता है, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड होता है उससे। कोई अगर हेजर्ड जला के चला रहा है तो वो एक सिग्नल है कि मैं थोड़ा स्लो चला रहा हूँ भैया, मेरा गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है। सो गाइस जैसा कि मैंने कहा था वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसका लाइट का थ्रो वाकई में कैसा है, आईफोन का फुटेज आप एक बार चेकआउट कर लो एंड इससे आप लोगों को क्लियर आइडिया हो जाएगा। एंड सामने अभी देख सकते हो पूरा ही अंधेरा है, तो एक बार इसको ऑन करके आप दिखा देते हैं आईफोन का फुटेज, एक बार चेकआउट कर लो। सो कुछ ऐसा इसका ब्राइटनेस, ये अभी लो बीम पे है सो इसको एक बार हाई बीम पे करते हैं, तो देख सकते हो गाइस। सो ये लाइट का थ्रो कुछ ऐसा, एंड बाकी लेट्स रैप अप दिस वीडियो। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पर ना तो डू सब्सक्राइब, बाकी इंस्टाग्राम हैंडल नीचे आ रहा होगा फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो का ब्लॉग में, तब तक ये राइड हार्ड राइड सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम।